हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट। SBI वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। SBI की तरफ से 12,000 वैकेंसी लेके 12 पास एंड ग्रेजुएशन पास करने वाले के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे SBI में वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ आज। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें जाके यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। एंड किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है, सब कुछ आप लोगों को ऑफिशियली SBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप लोगों को दिखाऊंगा। डेफिनेटली पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से फिर से जो है ऑफिशियली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एंड SBI की लाइफ इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जो है वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है। जैसे आप लोगों को एज ए इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर काम करना होगा घर बैठे, तो इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस में अगर कोई की कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से उसको एप्लीकेशन करना होता है, क्या है फॉर्म का फिलअप करने के तरीका, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, SBI लाइफ की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं अभी ओपन कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ। SBI की तरफ से इस बार की जो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आया है, इसमें अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मैंने वहाँ पे रखा गया है वो है 12th पास एंड मैक्सिमम जो है ग्रेजुएशन कंप्लीटेड कैंडिडेट चाहिए। जो कोई भी स्ट्रीम से हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो डेफिनेटली इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अभी इसके बारे में बात करने वाला हूँ कि SBI लाइव इंश्योरेंस में अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस ओनली ऑन इंटरव्यू एंड मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा। तो अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपके ऊपर एक इंटरव्यू, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यानी आपको एक मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा। सैलरी की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एज़ पर द इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करके आपको सैलरी दिया जाएगा, और अप्रोक्स यहाँ पे 15,000 to 20,000 तक सैलरी आपको पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा SBI जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से। इसमें बहुत सारे पोजीशन हैं, चलिए एक एक करके बता देता हूँ। बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप या इंस्टीट्यूशन अलायंस के ऊपर पोस्ट निकल के आया। बिजनेस डेवलपमेंट ग्रुप के ऊपर डेवलपमेंट मैनेजर ग्रुप रिटेल एजेंसी के ऊपर, एरिया मैनेजर IA के ऊपर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, इस तरह से बहुत सारे पोस्ट निकल के आए। इन सारे पोस्ट से कोई भी एक पोस्ट के लिए यू कैन अप्लाई। तो यहाँ पर एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में ही करना होगा विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस या चार्जेस के। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हो, यहाँ पर एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आपको वो भी मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से फिलअप करना होगा। तो पहले तो आपको पर्सनल डिटेल्स आपको भरना होगा, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एंड आपका बायोडाटा देख के आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा स्टेप बाय स्टेप। एंड देन आपको इस फॉर्म को जो है फिलअप करके अपलोड करना होगा। तो यही एक तरीका है अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो दोस्तों, इस तरह से एप्लीकेशन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा। और यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, कास्ट प्रूफ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको देना हो। जैसे कि फर्स्ट में ही आपका एप्लीकेंट नेम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, उसके बाद इस तरह से आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस अदर डिटेल देके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। एंड अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो यू कैन जॉइन दिस कंपनी एंड आप लोग घर बैठे ये जॉब कर सकते हो। तो यही था आज की अपडेट। अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। फिर से एक नया रिक्रूटमेंट के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।